पहले अल्लाह सुबहाना उताला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह सुबहाना उताला ने हैदराबाद की आवाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बत थी उसमें और इजाफा फरमाया और अल्लाह ने हैदराबाद की आवाम के जरिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से एक तारीखी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। मैं हैदराबाद की पार्लियामानी हलके की आवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने यहां से अपने इतिहास और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर पांचवीं मर्तबा यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूं, खासतौर से ख्वातीन का, महिलाओं का, कि उन्होंने अपने वोट से और अपनी मोहब्बतों से यहां से एक तारीखी कामयाबी एमआईएम पार्टी को दिलवाई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम उन गयूर नौजवानों का और खासतौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स का और साथ ही साथ हमारे बुजुर्गों का कि उनकी सरपरस्ती शामिल हाल रही और जो यहां के मौजूद लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और हर तबके के से ताल्लुक रखने वाले अफराद का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और मैं हमारी पार्टी के तमाम मेंबर्स का, बूथ प्रेसिडेंट्स का, हमारे पूरे एमएलएस का, म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स का और जिन्होंने उस कड़ी धूप में इस कैंपेन को चलाया, मैं एक एक का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और हम तमाम की इज्तिमाई मेहनत और की वजह से एक तारीखी कामयाबी हमको हैदराबाद के पार्लियामानी हलके से मिली है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, जस्तजू करूंगा कि जो भरोसा मुझ पर आपने कायम किया है, पहले से ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे हैदराबाद की पार्लियामेंट की कि यहां पर डेवलपमेंट करवाने के लिए। और मैं साथ ही साथ शुक्रिया अदा करना चाहूंगा औरंगाबाद की आवाम का और उन्होंने इम्तियाज जलील साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया।